आपकी बेटी के और विराज के 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं। बहुत अच्छी जोड़ी है दोनों की। लीजिए, जानवी बिटिया चाय ले आई। थैंक यू। बेटा गंगाधर। हाँ माँ। सुनो तो जरा। मैं भी आता हूँ। क्या बात है माँ? बेटा क्या लगता है तुझे, लड़का कैसा है? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ? इतना बड़ा आदमी विराज जौहरीवाल, जितना पैसे वाला है ना माँ, उतना ही शरीफ भी है। बस यूँ समझ लो, अपनी बिटिया के भाग खुल गए। पर वो इतना अमीर आदमी हमारे घर रिश्ता लेकर आया है, कुछ अजीब सा नहीं लगता तुझे? वो इतना बड़ा आदमी और हम इतने गरीब लोग। सबसे गरीब तो मैं हूँ दादी माँ, पैसों से भले ही मैं अमीर हूँ, लेकिन रिश्तों से बहुत ही गरीब हूँ। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि मेरे पास आप जैसी दादी माँ नहीं है, ऐसे पिता नहीं है, और इतनी प्यारी माँ नहीं। अगर जानवी से मेरी शादी होती है तो मुझे ये सब रिश्ते मिल जाते हैं। बाकी आप लोग बड़े हैं, आप जानते हैं। वैसे रही मेरी बात, मुझे जानवी पसंद है। बस सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। मुझे आप लोगों के फैसले का इंतजार रहेगा। माँ, अब तो आपके मन में कोई शंका नहीं है ना? माँ बिल्कुल चिंता मत करिए, देख लेना मेरी बेटी और दामाद की जोड़ी बिल्कुल लक्ष्मी नारायण की जोड़ी जैसी होगी। आज उसने दादी की बात मान ली। आज से हमारा घर। और ये दो हमारे वफादार, ये है हमारे घर की लक्ष्मी। Enjoy yourself. Come. And this is Hitler. जब मैं नहीं होऊंगा ये तुम्हारा ध्यान रखेगा। All right? Come. एक मिनट। पहली बार अपने घर पे आ रही हो तो ऐसे नहीं आने दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये सब करने के लिए कोई नहीं है। आई होप यू डोंट माइंड। Thank you.
आज से ये तुम्हारा घर। कैसा लगा तुम्हें अपना ये घर? बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ आपके अलावा और कोई भी नहीं रहता? रहता था सपना। इस घर में मेरे साथ मेरा एक सपना रहता था और आज वो सपना पूरा हुआ। बस अब कोई नहीं चाहिए अपने और अपने सपने के बीच में। तुम्हें कोई चाहिए? अच्छा, वैसे भी ये घर यहां से शुरू होकर यहीं पर खत्म नहीं होता। पूरा घर नहीं देखोगे? अरे, अरे आप, यार क्या कर रहे हैं? कुछ दिखेगा तो क्या सोचेगा? कहा तो सही, तुम्हारा और मेरे अलावा तीसरा इस घर में कोई नहीं रहता। और वैसे भी मेरा बस चले तो तुम्हें इस घर में अपने कदम जमीन पर रखने ही ना दूं। तेज भैया। जी मैडम। एक बार इधर आना। जी मैडम जी। मेरा एक काम कर दोगे? दरवाजा खोलने के लिए मत बोलिए प्लीज। कल आपको जरा से बाहर जाने के लिए दिया तो आप भाग गई, शायद हमको मिला। ये देखिए। उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन लेकिन आज मुझे बहुत छोटी सी मदद चाहिए आपकी। सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल फोन मुझे दे दीजिए, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। नहीं मैडम नहीं, कल ताला खोला था साहब ने हमारा हाथ तोड़ दिया, अगर आज मोबाइल फोन दो तो हमें जान से मार देंगे। तेज भैया प्लीज। नहीं मैडम जी नहीं।